हेलो फ्रेंड्स, अब लास्ट टू डिजिट्स में केस नंबर 5 देखते हैं, वेयर यूनिट्स डिजिट इज 2, 4, 6 और 8। जब भी मेरी यूनिट्स डिजिट 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक होगी तो मैंने जो राइट हैंड साइड पे तीन चीजें लिखी हैं उनको याद रखना है। फर्स्ट इज 24 रेज टू द पावर ऑड नंबर, हमेशा आपको 24 देगा लास्ट टू डिजिट। सेकेंड इज 24 रेज टू द पावर इवन नंबर इज इक्वल टू 76, लास्ट टू डिजिट उसकी 76 होंगी। और 2 रेज टू द पावर 10 आपका होता है 1024। तो अभी मैं बताऊंगा इनको अप्लाई कैसे करना है, अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है तीन चीजें, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो इसमें मेरा फर्स्ट एग्जांपल है 24 रेज टू द पावर 35। तो ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 24 रेज टू द पावर ऑड नंबर मेरा ऑलवेज लास्ट टू डिजिट क्या होंगे 24। तो ये मेरा आंसर आ गया 24। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 48 रेज टू द पावर 40। तो इन क्वेश्चंस में मेरे को क्या अप्रोच फॉलो करनी है, जब भी मेरी यूनिट्स डिजिट 2, 4, 6 या 8 है तो मेरे को हाईएस्ट पावर 2 की निकालनी है उसमें से, क्योंकि मेरे को पता है 2 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024, ठीक है। तो उसी अप्रोच से मैं आगे सॉल्व करूंगा। पहली मेरी अप्रोच होनी चाहिए कि मैं 24 की पावर निकालू हाईएस्ट, बट वो आपकी बहुत कम क्वेश्चन में से निकलेगी, क्योंकि 48, 96, 24 इन्हीं में से निकल सकती है आपकी, या 72। बट अगर इसके अलावा कोई भी नंबर है तो आपकी 24 की डायरेक्टली नहीं निकलेगी, आपको 2 रेज टू द पावर निकालना पड़ेगा, और बाकी का जो पार्ट बच जाएगा वो एक ऑड नंबर होगा, उनके केसेस हम पहले कवर कर चुके हैं, तो उसकी लास्ट डिजिट आपकी वहां से निकल जाएगी। तो अभी देखेंगे उस टाइप का क्वेश्चन, पहले वाला देखते हैं। इसमें डायरेक्टली 24 की पावर मेरी कॉमन आ जाएगी और एक पावर मेरी 2 की बच जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 24 रेज टू द पावर 40 इंटू 2 रेज टू द पावर 40। तो 24 रेज टू द पावर 40 कितना आ जाएगा मेरा, 24 रेज टू द पावर इवन है तो ये हो जाएगा मेरा 76 इंटू 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 76 इंटू 2 रेज टू द पावर 10 कितना है मेरा, लास्ट टू डिजिट्स मेरी हैं 24, तो यहां पे मैं 24 लिख सकता हूं, रेज टू द पावर मेरा आ गया 4। तो कितना हो जाएगा ये 76 इंटू 24 रेज टू द पावर इवन, अगेन मेरा 76 आ जाएगा यहां से, तो ये मैंने लिख दिया 76। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं -24 लिख सकता हूं, यहां पे भी -24 लिख सकता हूं, तो -24 इंटू -24 मेरा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये मेरा अगेन आ जाएगा आंसर 76। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो यहां पे मैंने क्या अप्रोच फॉलो की, सबसे पहले 48 रेज टू द पावर 40 को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया 24 इंटू 2 की पावर्स में, तो 24 रेज टू द पावर 40 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया 76, और 2 रेज टू द पावर 40 को मैंने अगेन ब्रेक डाउन कर लिया 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 4। तो यहां पे आ जाएगा मेरा लास्ट टू डिजिट्स मेरी 24 होती है 2 रेज टू द पावर 10 की, उसके बाद ये बन जाएगा एक्सप्रेशन 24 रेज टू द पावर 4 इंटू 76 मेरा यहाँ पे आ गया था पहले से। तो फिर 24 रेज टू द पावर 4 अगेन मेरा 76 आ जाएगा, तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 76 इंटू 76। उसके बाद इसको मैं -24 इंटू -24 लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा 2 नेगेटिव है तो मेरा पॉजिटिव बन जाएगा एक्सप्रेशन, तो 24 स्क्वायर आ जाएगा, अगेन 24 रेज टू पावर इवन नंबर 76 है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 रेज टू द पावर 18, तो इसकी लास्ट टू डिजिट्स क्या होंगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, तो इसको प्राइम वेक्टराइजेशन की टर्म्स में अगर लिखूं तो 3 रेज टू द पावर 18 इंटू, और 4 क्या होता है 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 18, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा ये 3 रेज टू द पावर 18 इंटू 2 रेज टू द पावर 36, करेक्ट। अब 3 रेज टू द पावर 18 है, अब मुझे पता है अगर मेरे को इसको 1 की टर्म्स में लिखूं तो इजीली मेरा सॉल्व हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 रेज टू द पावर 4 जो कि मेरा 81 होता है रेज टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि यहां से 16 मेरा आ गया बाहर बट एक स्क्वायर बच गया, 18 में से मेरा 16 बाहर आ गया स्क्वायर बच गया, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया इंटू 2 रेज टू द पावर 30,
क्योंकि यहां से मुझे 24 की पावर्स में आंसर मिल जाएगा इनटू 2 रेज टू द पावर 6। तो मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, जैसे जैसे मुझे आंसर मिल सकता है जहां जहां से वहां वहां से मैंने उसे ब्रेक डाउन कर लिया। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, 81 रेज टू द पावर 4 इंटू 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 6। तो 81 रेज टू द पावर 4 कितना आ जाएगा मेरा, यूनिट रेडिट पे 1, 8 इंटू 4 32, तो 2 यहां पे आ जाएगा, 21 इंटू 9 यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास 24 रेज टू द पावर 3, 24 रेज टू द पावर ऑड इज 24 इंटू 2 रेज टू द पावर 6 इज 64। तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन आ गया। अब ये फर्दर किसी ट्रिक से तो रिड्यूस नहीं होगा, बस ज्यादा से ज्यादा आप 64 को माइनस 36 करके इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनकी लास्ट टू डिजिट्स निकाल के फिर उन्हें वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट टू डिजिट्स को, तो ही मेरा आंसर आएगा, क्योंकि इसमें फर्दर कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। तो आंसर इसका आ जाएगा फाइनली जब आप इवेल्युएट करेंगे 04। मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कैसे आया हमारा आंसर। मैंने कंसीडर किया 21 इंटू 24 और मैंने कंसीडर किया 9 इंटू 64, जिस भी हिसाब से मुझे मल्टीप्लीकेशन सिंपल लगे। तो 24 इंटू 21 को मैं वर्बली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये होता है 504, और 64 इंटू 9 को भी मैं वर्बली कैलकुलेट कर सकता हूँ, 576। तो मुझे ये लास्ट टू टर्म्स ही कंसिडर करनी है, 04 और 76। तो 04 इंटू 76 मेरा होता है 304। तो मेरी लास्ट टू डिजिट्स आ गई 04। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो एक बार फिर से अप्रोच देखते हैं इसकी। 12 रेज टू पावर 18 को मैंने 3 इंटू 4 की पावर्स में ब्रेक किया, 4 को अगेन 2 की पावर्स में ब्रेक किया, तो मेरा एक्सप्रेशन बन गया 3 रेज टू पावर 18 इंटू 2 रेज टू पावर 36। फिर इसको मैंने उस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जहां से मेरा आंसर इजीली आ सकता था। तो 3 रेज टू पावर 4 मुझे पता है 81 होता है, और 81 की यूनिट डिजिट 1 है, इसलिए आंसर मेरा जल्दी आ जाएगा। तो 3 रेज टू पावर 4 रेस्ट द पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 30 और 6 की पावर में, क्योंकि 30 का आंसर फाइंड आउट करना मुझे इजी है, क्योंकि यहां से मुझे पता है 2 रेस्ट द पावर 10 मेरा 1024 होता है, और 2 रेस्ट द पावर 6 मेरा फिर बच जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया 81 रेस्ट द पावर 4 इंटू 9 इंटू 2 रेस्ट द पावर 10 की पावर 3 इंटू 2 रेस्ट द पावर 6, उसको फिर मैं लिख सकता हूँ 21, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 21, ये 9 एज इट इज, ये हो जाएगा 24 रेज पावर ऑड इज इक्वल 24 और इंटू 64, 2 रेज पावर 6 मेरा 64 होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई पेयर्स के अंदर लेके मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 04। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है 34 रेज टू द पावर 48, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम अप्रोच फॉलो करनी है। 34 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 इंटू 2, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 17 रेज टू द पावर 48 इंटू 2 रेज टू द पावर 48। अब जो मेरे 7 एंडिंग वाले नंबर्स होते हैं उनकी मैं स्क्वायर की पावर की फॉर्म में लिखता हूं, तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, 17 स्क्वायर रेज टू द पावर 24 इंटू, अब जो 2 वाले नंबर्स होते हैं उनको मैं क्या लिखता हूं, 10 की हाईएस्ट पावर उसकी मैं निकाल लेता हूं, और जो नंबर बच जाते हैं उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 8, ठीक है। 17 स्क्वायर मेरा कितना होता है, 289, तो लास्ट डिजिट्स मेरी आ गई 89, 89 रेज टू द पावर 24, यहां से मेरा 2 रेज टू द पावर 10 की जो लास्ट डिजिट्स कितनी होती है, 24 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 8, 2 रेज टू द पावर 8 मेरा होता है 256, तो लास्ट टू डिजिट्स मेरी आ जाएंगी 56। 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 11, माइनस 11 रेज टू द पावर इवन, इवन पावर है यहाँ पे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 11 रेज टू द पावर 24 इंटू 24 रेज टू द पावर 4, इवन पावर है तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 76 इंटू 56। तो 11 रेज टू द पावर 24 कितना हो जाएगा, यूनिट्स डिजिट पे 1, और यहां से 1 इंटू 4 41
और यहां से अगर मैं देखूं तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं -24 लिख सकता हूं और यहां से मैं इसे -44 लिख सकता हूं ताकि मेरी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा मेरा 41 × 24 × 44। इसको आप सिमिलर बेसिस पे अगर सॉल्व करेंगे तो आपके जो लास्ट टू डिजिट्स है 96 आ जाएंगी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यही अप्रोच फॉलो करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनकी यूनिट्स डिजिट 2, 4, 6 या 8 है। सबसे पहले आपको उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके पावर्स की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद 2 की जितनी भी पावर आती है आपको 10 की फॉर्म में बनानी है, रेस्ट आप अलग से लिख लेंगे। और जो आपका बाकी का नंबर बच जाएगा वो ऑड नंबर होगा, उसके लिए हम अप्रोचेस देख चुके हैं तो वो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपके पास 2 या 3 टर्म्स बच जाएंगी या 4 टर्म्स बच जाएंगी जिनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मैन्युअली, तो वो जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी भी कुछ ट्रिक्स होती है जो मैंने और सेशंस में कवर किए हैं, वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं या फिर मैन्युअली मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा तो आपका लास्ट 2 डिजिट्स कैलकुलेट रहेंगी। इसी वे में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।